नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्रिकेट एडिक्टर की एक और फैंटेसी 11 वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश मुकाबले की। वर्ल्ड कप का लीग स्टेज का ये आखिरी हफ्ता चल रहा है, शनिवार का दिन है और यहाँ पे दो मुकाबले आपको खेलते हुए दिखेंगी टीमें, जहां पे ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का पहला मुकाबला सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा, जबकि पाकिस्तान और इंग्लैंड का मुकाबला दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का मुकाबला पुणे के मैदान पर खेला जाना है, जहां पे काफी हाई स्कोरिंग मुकाबले हमको देखने को मिलते हैं। अगर इस मुकाबले की बात की जाए तो उतना इंपॉर्टेंस तो नहीं है, अगर देखा जाए बांग्लादेश की टीम भी यहां पे पहले ही एलिमिनेट हो चुकी है और साथ में ऑस्ट्रेलिया पहली सेमीफाइनल के क्वालिफाई हो चुकी है। हालांकि जाते जाते लीग स्टेज खत्म होते होते दोनों टीमें चाहेंगी कि एक पॉजिटिव नोट पर अपना लीग स्टेज खत्म करें। बांग्लादेश की टीम चाहेगी कि जो कि काफी खराब दौर से गुजर रही है, अगर वर्ल्ड कप की भी बात करी जाए काफी निराशाजनक प्रदर्शन रहा है अभी तक, तो जाते जाते एक मुकाबला जीतना चाहेंगे, जबकि ऑस्ट्रेलिया अपने कॉन्फिडेंस को जो पिछले लगातार मुकाबले जीतते हुए आ रही है, जिस तरीके से उसने क्रिकेट खेली है, वो चाहेगी कि ये भी मुकाबला जीत कर और सेमीफाइनल में एक 100% कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री करे। तो इस वीडियो में हम इन दोनों टीमों की फैंटेसी 11 बनाने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्रोबेबल 11 क्या होने वाली है, कल के मुकाबले के लिए पिच रिपोर्ट क्या होगी, टॉप खिलाड़ी आपके क्या हो सकते हैं, टॉप पिक्स क्या हो सकते हैं फैंटेसी 11 के लिए, उस सब के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है, यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में फेसबुक पर फॉलो भी कर लीजिएगा पेज को। तो चलिए शुरू करते हैं ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश मुकाबले के बारे में बात करना। यहाँ पे हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर बात की जाए तो 21 मुकाबले दोनों टीमों के बीच खेले गए ओडीआई फॉर्मेट में, जिसमें से 19 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, जबकि एक मुकाबला केवल बांग्लादेश की टीम जीत पाई है। तो यहां पे दबदबा बांग्लादेश का तो नहीं दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया एकदम आगे आपको दिख रही है, काफी ज्यादा आगे, 19 मुकाबले यहां पे जीती हुई है। और साथ में अगर बात की जाए ओडीआई वर्ल्ड कप में इनके जो हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो यहां पे 3 मुकाबले खेले गए, ऑस्ट्रेलिया ने तीनों मुकाबले जीते, तो 3-0 का स्कोर यहां पे ओडीआई वर्ल्ड कप में भी है। तो यहां पे ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑन पेपर भी काफी मजबूत है और जो हालिया फॉर्म भी हमने देखा, जिस तरीके से उन्होंने अफगानिस्तान को पिछले मुकाबले में रौंदा है, जिसमें जहां पे 91 रनों पे 7 विकेट गिर गए थे, वहां से 200 रन बना के मैक्सवेल ने जिस तरीके से पारी खेल के जिताया, तो कॉन्फिडेंस तो ऑस्ट्रेलिया के पास काफी है। और वही बांग्लादेश टीम थोड़ी सी हल्की है, हालांकि ये भी पिछला मुकाबला श्रीलंका को हरा कर आ रही है, शाकिबुल हसन का अंत में बल्ला चला संतो, जो दोनों बल्ले से उतना कुछ खास कर नहीं पा रहे थे, नजमुल हुसैन संतो ने भी अच्छे रन बनाए थे, वहीं साथ में आपके शाकिबुल हसन ने भी, और उम्मीद करके कल के मुकाबले में भी अच्छा खेलते हुए दिखे। अगर पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो पुणे की पिच हमने जैसा कि जानते भी काफ़ी यहाँ पे रन बनते हुए आपको दिखते हैं, बड़े बड़े स्कोर यहाँ पे बैटिंग के लिए काफ़ी अच्छी पिच होती है और यहाँ पे तेज गेंदबाज आपको थोड़ी विकेट भी निकालते हुए देख सकते हैं। यहाँ के पहले इनिंग के औसत स्कोर की बात करें 303 रन का तो औसत स्कोर है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कितने रन बन सकते हैं। हालांकि बल्लेबाजी अगर बांग्लादेश पहले करती है तो उम्मीद आपको कमी होगी कि 300 पहुंचे, क्योंकि हमने देखा है जितनी छोटी टीम है वो थोड़ा समय ज्यादा लेने लगती है ऐसी पिचेस पे भी, चाहे आप अफगानिस्तान की बात कर ले, बांग्लादेश की बात कर ले, तो नीदरलैंड की बात कर ले, ये कहीं ना कहीं 300 पहुंचते थोड़ा बिखर सी जाती हैं, चाहे इनको कोई सी भी पिच दे दीजिए, फ्लैट पिच दे दीजिए या फिर कोई सी, सामने जब बड़ी टीमें होती है तो थोड़ा दबाव में ये दिखती हैं। लेकिन उम्मीद करेंगे कल एक मुकाबला, हाई स्कोरिंग मुकाबला हमें देखने को मिले। स्टैट्स की बात करें तो यहाँ पे टोटल 11 मुकाबले ओडीआई फॉर्मेट में खेले गए हैं, जिसमें से 6 मुकाबले पहले बैटिंग करते हुए टीम ने जीते, जबकि चेस करते हुए टीम ने 5 मुकाबले जीते। तो यहाँ पे नेक टू नेक कहीं ना कहीं है कि टॉस की उतनी महत्वता होती नहीं है, अगर टॉस जीते तो आप गेंदबाजी भी कर सकते हैं, लेकिन गेंदबाजी करते हुए आपको फिर कम स्कोर में रोकना पड़ेगा, और अगर आप बल्लेबाजी कर रहे हैं तो फिर एक हाई स्कोर बनाइए ताकि यहाँ पे मुकाबला जीत सके, जैसे 350 प्लस 330 के प्लस आसपास स्कोर बनाएंगे तब जाके आप यहाँ पे थोड़ा सेफ फील करेंगे। पहले आपको हाईएस्ट टोटल बता देता हूँ यहाँ के, अगर ग्राउंड की बात करें पुणे में जो मैदान है वहाँ पे 357 रन हाईएस्ट स्कोर है, और जबकि हाईएस्ट स्कोर चेस 356 रन का हो रखा है, तो आप देखिए कि चेस भी 356 रन, तो मतलब 360 के आसपास तो आप सोच ही नहीं सकते कि आप सेफ है, तो इसका मतलब आपको 370-380 के आसपास का स्कोर बनाना पड़ेगा यहाँ पे, जो कि काफ़ी मुश्किल होगा अगर देखा जाए तो। इसके बाद अगर प्रोबेबल 11 की बात की जाए दोनों टीमों की, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की पहली बात कर ले देते हैं, ट्रेविस हेड के साथ आपको डेविड वार्नर ओपन करते हुए दिखेंगे, उसके बाद आपको 3 नंबर पर मिचेल मार्श, 4 नंबर पर मार्नस लबुशेन, स्टीव स्मिथ पिछला मुकाबला खेले नहीं थे तो अगर आज खेलते तो शायद वो मार्नस लबुशेन की जगह आपको खेलते हुए दिख सकते हैं, उसके अलावा जॉस इंग्लिश विकेट कीपर, ग्लेन मैक्सवेल उसके बाद आपको खेलते हुए दिखेंगे ही दिखेंगे, मार्कस स्टोइनिस ऑलराउंडर के रूप में, पैट कमिंग्स, मिचेल स्टार्क, एडम जैम्बा और जॉस हेजलवुड, तो ये आपकी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 हो सकती है। एक बदलाव होगा तो केवल मार्नस लबुशेन, मेरे को ऐसा लगता है कि लबुशेन की जगह स्टीव स्मिथ आ सकते हैं, नहीं तो यही सेम प्लेइंग 11 भी हो सकती है। वहीं अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो यहाँ पे तंजीद हसन, लिटन दास, नजमुल
अमूल हुसैन संतो, साकिब अल हसन, मुशफिकुर रहीम, महमूदुल्ला, तोहिद हृदय, मेहंदी हसन, तंजीम हसन, शाकिब, तास्किन अहमद और सौरीफुल इस्लाम आपको बांग्लादेश की टीम की तरफ से खेलते हुए देख सकते हैं। अब दोनों टीमों की फैंटेसी 11 की बात की जाए तो यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास काफी अच्छी अच्छी चॉइसेस हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तो यहाँ पे काफी अच्छे रन बनाते हुए आपको डेविड वार्नर दिख रहे हैं, ट्रेविस हेड ने काफी रन बनाए हैं, ग्लेन मैक्सवेल काफी अच्छी पारियां खेल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर बल्लेबाजों की बात करें तो डेविड वार्नर और आपके ट्रेविस हेड आपकी टीम में होने चाहिए। ट्रेविस हेड हालांकि पिछला मुकाबला कुछ खास कर नहीं पाए थे, लेकिन आज एक बार फिर आप उनको अपनी टीम में रख सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे पहले विकेट कीपर की बात कर लेते हैं। विकेट कीपर के पास आपके पास चॉइस है मुशफिकुर रहीम और आपके पास जॉस इंग्लिश। तो मेरा मानना है कि आप मुशफिकुर रहीम के साथ जा सकते हैं जो कि मिडल ऑर्डर में बांग्लादेश के लिए थोड़ा अच्छा क्रिकेट खेलते हुए दिख रहे हैं। जॉस इंग्लिश के मुताबिक अगर देखा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर आपको दिखेंगे। तो यहाँ पर रहीम को आप अपनी टीम में रख सकते हैं। उसके अलावा बल्लेबाजों की बात करें तो यहाँ पर ट्रेविस हेड को अपनी टीम में जरूर रखिएगा, साथ में आप मिचेल मार्श, डेविड वार्नर को भी अपनी टीम में रख सकते हैं। ये तीनों अगर टॉप थ्री काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाज है और ये तीनों आपको बेहतरीन पारियां खेलते हुए दिख सकते हैं। साथ में आप बीच में मार्नस लबुशेन अगर खेलते हैं तो उनको ले सकते हैं, नहीं तो आप बांग्लादेश की तरफ से नजमुल हुसैन संतो को अपनी टीम में रख सकते हैं। मेरा मानना है कि ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, डेविड वार्नर और संतो के साथ आप जा सकते हैं। वहीं अगर ऑलराउंडर्स की बात करें तो यहाँ पे मेहंदी हसन मिराज को आप अपनी टीम में जरूर रखिएगा। वो बांग्लादेश के लिए मैच जरूर हार रही है टीम उनकी, लेकिन वो अपनी परफॉर्मेंस लगातार अच्छी देता जा रहा है, बल्ले के साथ भी रन बनाता है और विकेट भी लेने में माहिर है। तो यहाँ पे मेहंदी हसन मिराज और ग्लेन मैक्सवेल को तो आप छोड़ ही नहीं सकते। जिस तरीके की उन्होंने पिछले मुकाबले में परफॉर्मेंस दी है, वो हर आपको हर मैच में कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट फुल पारियां खेलते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल को अपनी टीम में जरूर रखिएगा। वहीं गेंदबाजों की बात की जाए तो यहाँ पे पैट कमिंग्स, जॉस हेजलवुड, एडम जैम्पा और मिचेल स्टार्क आपको अपनी टीम में अच्छी चॉइसेस हो सकते हैं। अगर देखा जाए तो पैट कमिंग्स विकेट आपको लेते हुए दिख रहे हैं, एडम जैम्पा जो कि हाईएस्ट विकेट टेकर की टॉप फाइव में बने हुए हैं। वहीं बांग्लादेश की तरफ से अगर आपको एक गेंदबाज रखना है तो आप तंजीम हसन साकिब को रख सकते हैं जो कि पिछले मुकाबले में अच्छे दिखे थे, गेंदबाजी करते हुए विकेट ली थी। तो यहाँ पे आप उनको टीम अपनी टीम में रख सकते हैं। तो ये थी ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश मुकाबले की प्लेइंग फैंटेसी 11 जो आपको पॉइंट्स काफी जिता सकती है। वहीं कप्तान और उप कप्तान की बात की जाए तो यहाँ पे कप्तान आप अपनी टीम का डेविड वार्नर को बना सकते हैं और उप कप्तान ग्लेन मैक्सवेल को तो आप बना ही सकते हैं क्योंकि वो पिछले मुकाबले में जिस तरीके खेले थे और स्पिन के खिलाफ वो और बेहतर खेलते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि बांग्लादेश की टीम में काफी स्पिनर्स भी हैं, शाकिब हैं और बाकी मेहंदी हसन मिराज भी हैं। तो यहाँ पे आपको वो अच्छे क्रिकेट खेलते हुए देख सकते हो। तो यहाँ पे आपकी अच्छी चॉइस होगी कि डेविड वार्नर और उप कप्तान के लिए आप मैक्सवेल के साथ जाएं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करेंगे आपकी ये टीम काफी काम आएगी और पॉइंट्स जीताएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद।